गाइज वेलकम बैक टू एडुवानी। मेरा नाम है मनीष यादव और आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में। सो गाइज लेटेस्ट न्यूज़ क्या है यूजीसी की फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए, वो होने वाले हैं या नहीं होने वाले। सो गाइज अभी तक फाइनल कुछ डिसाइडेड है नहीं, बट हाँ हम अज्यूम कर सकते हैं। तो वैसे आप लोगों को पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं एंड जो HRD मिनिस्टर है उन्होंने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया था कि आप अपनी स्टेट की कंडीशन देखिए एंड उस कंडीशन के बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने या नहीं कराने। सो गाइज मोस्टली बोर्ड्स ने एग्जाम्स को, बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया था, बट कुछ लाइक CBSE ने कंडक्ट कराया है तो, बट मोस्टली ने कैंसिल कर दिया था। तो बट अब जो प्रॉब्लम आती है गाइज, वो प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के ऊपर। सो बेसिकली मतलब शुरू के अंदर तो UGC ने बोला था कि लाइक स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, बट अभी कमेंट आता है सडनली UGC का कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम को डिसाइड करे, एंड अगर वो ऐसा करती है तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी होगा। गाइज मैं आप लोगों को क्लिप दिखाता हूँ, वो तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज बेसिकली ये क्लिक है India TV न्यूज़ की। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि UGC सेज हैज पावर टू टेक एक्शन इफ स्टेट्स कैंसिल दिस यूनिवर्सिटी एग्जाम डू नॉट फॉलो इट्स गाइडलाइन। सो गाइज बेसिकली मतलब UGC सीधी सी धमकी देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करा सकते, ये आपके हाथ में नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। सो गाइज अब यहाँ पे मतलब क्लियरली हम थोड़ा सा पढ़ के बात कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC इन वेक ऑफ स्टेट्स कैंसिलिंग फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैज सेड दैट स्टेट्स आर नॉट परमिसिबल टू डू दिस एंड द कमीशन डज हैव द पावर टू टेक एक्शन। तो मतलब यार सिंपली ये कहा है कि स्टेट के हाथ में नहीं है कि वो फाइनल ईयर एग्जाम्स को कैंसिल कर सके, अगर वो ऐसा करता है तो उनके लिए एक्शन कर सकती है UGC, यानी कि जो भी लाइक यार पेनल्टी वगैरह होगी वो हो सकती है। सो गाइज उसके बाद मतलब अब हम देखते हैं कि लाइक हो क्या सकता है। तो गाइज मैं दूसरी ये क्लिक है या लिंक ओपन मैंने किया हुआ है खबर NDTV.com का। तो बेसिकली यहाँ पर यार लाइक मतलब अरविंद केजरीवाल ने, देखिए आप CM केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी की यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम्स रद्द करने का किया आग्रह। सो बेसिकली यार मतलब आप बात करते हैं दिल्ली के लिए। तो गाइज दिल्ली के अंदर कंडीशन क्या है कि यू नो कि कोरोना केसेज आर रियली ग्रोइंग एट अ हाई रेट। सो मतलब कि यार ऐसी कंडीशन में यू नो कि एग्जाम्स अगर कैंसिल हो भी जाते, भाई हमने 3 साल पास किए, 3.5 साल पास किए, तो अगर लास्ट एग्जाम है हमारा तो उसके बेसिस पे यार आप कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसीलिए लाइक केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लाइक चिट्ठी लिखी है कि जिसमें कि वो एग्जाम कैंसिल कराना चाह रहे हैं। उसके बाद गाइस राहुल गांधी ने फाइनल ईयर एग्जाम, राहुल गांधी ने बोला कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है UGC। भाई मैं एग्री हूँ आपके साथ बिल्कुल भी सर, बिल्कुल सर एग्री हूँ करेक्टली आपका, 100% आपके साथ एग्री हूँ, क्योंकि यार मतलब UGC ने फाइनल ईयर एग्जाम, बच्चे यार क्या करेंगे लाइक मतलब पढ़े नहीं पढ़े कुछ कंफर्म है ही नहीं यार उनको, कि एक लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ा जा सकता। इतने 6 महीने का सेमेस्टर था, उसको आप 8 या 9 महीने का लेके आ गए हैं, अभी तक भी फाइनल ईयर डिसाइडेड नहीं है कि क्या होने वाला है। तो भाई राहुल गांधी ने बिल्कुल मतलब करेक्ट पॉइंट पिक किया है कि कंफ्यूजन पैदा कर रहा है UGC। अगर भाई आपको एग्जाम लेना है तो आप सीधा क्लियरली बोलिए कि हाँ भाई एग्जाम होने वाले, नहीं होना तो आप यार स्टेट के ऊपर छोड़ सकते हैं कि जिस उस स्टेट की जैसी कंडीशन होगी तो उसके बेसिस पे हम फैसला कर सकते हैं। उसके बाद गाइस विश्वविद्यालय परीक्षा कैंसिल कराने के लिए केंद्र को लिखे पत्र, तो पंजाब मुख्यमंत्री ने मतलब अमरजीत सिंह जी ने बृहस्पतिवार को मतलब थर्सडे को विश्वविद्यालय को कैंसिल एग्जाम्स को कैंसिल कराने के लिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए एक लेटर लिखा है कि भाई कैंसिल कराई, कंडीशन हाथों में नहीं है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं नए स्तर के लिए नए कोर्सेज में कब होगा एडमिशन। सो उसके ऊपर AICTE ने लाइक मतलब कमेंट किया हुआ है, मैं उसके अंदर वीडियो में किसी में दिखाऊंगा। तो गाइज उसके बाद ये देखिए आप मतलब UGC के लिए UGC की परीक्षा आयोजित कराने के फैसले पर बढ़ के स्टूडेंट। सो मतलब यार काफ़ी वो है कि भाई इस टाइम मतलब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम एग्जाम्स को कंडक्ट करा पाए। तो यार इस केस के अंदर मतलब दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम कराएं या नहीं कराएं। तो अगर कराना है तो भाई आपको कराइए, आप जैसे भी ऑनलाइन मोड में करा सकते हो, ऑफलाइन मोड में करा सकते हैं, विद मतलब टोटल प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कराइए। अगर नहीं कराते हो तो आपके पास दो मतलब फिर भी एक फर्दर ऑप्शन होता है कि यार आप मतलब लास्ट सेमेस्टर के हिसाब से आप क्रेडिट दे सकते हैं, या फिर जो असेसमेंट होते हैं इंटरनल होते हैं उनके बेसिस पे दे सकते हैं, या फिर आप यार जो ओवरऑल मतलब जितने भी लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो लाइक 3.5 ईयर्स आप कर चुके हैं, तो उस 3.5 ईयर्स के बेसिस पे यार एवरेज या उसका जो भी यार आप लगा सकते हैं उस क्राइटेरिया के बेस पे आप फाइनल ईयर को एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब मार्क्स दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो बट यार हाँ राहुल गांधी ने जैसे एग्जैक्ट पॉइंट उठाया कि यार कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, टाइम मतलब यार काफी स्पेंड होता जा रहा है, मतलब बच्चों को यार क्लियर ही नहीं है कि मतलब क्या होने वाला है जो फाइनल ईयर में, लाइक जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 40,000 ज्वाइनीज को बोला है कि वो मिड जुलाई तक ज्वाइन हो जाएंगे। तो गाइज यार
उनका मतलब डेफिनेटली लेट होने वाला है क्योंकि उनका रिजल्ट अब तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। सो यार इस केस के अंदर मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, और यूजीसी मतलब समझ नहीं पा रही है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अकॉर्डिंग टू मी कि यूजीसी को या तो कैंसिल करना चाहिए, या फिर अगर वो एग्जाम कराना चाह रहे हैं तो कैसे भी यार असेसमेंट लेना है या ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में, तो प्रॉपर यार मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वो कराए। सो गाइज आपके क्या व्यू है इस यूजीसी के एग्जाम्स को लेकर, कि ये होंगे या नहीं होंगे? सो आप मुझे वो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट फिर वीडियो बनाऊंगा तो मैं लाइक यार मतलब हाईलाइट करूंगा कि किन लोगों के पॉइंट मुझे अच्छे लगे एंड मतलब यार हाँ रियली जिन्होंने जो मतलब अपना एक पॉइंट रखते हैं, क्लियर पॉइंट रखते हैं कि हाँ यार ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके व्यू कैसे हैं। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपकी इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडू मनी।